नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, एक नया शासनादेश आया है। आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि अब पूरे प्रदेश में शिक्षकों का वेतन मानव संपदा पोर्टल पे पेरोल मॉड्यूल के माध्यम से आएगा। इसके लिए शासनादेश जारी कर दिया गया है और पूरी डिटेल्स में आज की वीडियो हमें हम जानेंगे कि क्या शासनादेश आया है और इसके साथ साथ शिक्षकों को क्या क्या करना होगा, पपत्र 9 को भरने और BRC पे भेजने की क्या प्रक्रिया होगी और अगर इस प्रक्रिया में हमारी कोई लापरवाही होती है तो किस तरह से हमारा वेतन अवरुद्ध हो सकता है, तो पूरी डिटेल में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम शासनादेश देख लेते हैं कि क्या शासनादेश आया है। ये इसके प्रेषक हैं राजेंद्र सिंह, संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश शासन, सेवा में महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ, बेसिक शिक्षा अनुभाग 5। ये आपका 19 फरवरी 2021 को आया है। विषय है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन कार्यरत परिषदीय शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का वेतन मानव संपदा पोर्टल पे पेरोल मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाइन हस्तांतरण के संबंध में। महोदय, उपयुक्त विषयक शासन के पत्र संख्या दिनांक 5/2/2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का वेतन मानव संपदा पोर्टल पे पेरोल मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाइन हस्तांतरण की कार्यवाही दिनांक 31/3/2021 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कराने हेतु निर्देश दिए गए हैं, यानी 31 मार्च तक के निर्देश दे दिए गए हैं। नंबर 2, इस संबंध में उक्त शासनादेश संख्या दी गई है दिनांक 5/2/2021 को अवक्रमित करते हुए मुझे यह कहने का आदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन कार्यरत कर्मचारियों, शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का वेतन मानव संपदा पोर्टल पे पेरोल मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाइन हस्तांतरण की कार्यवाही दिनांक 31/3/2021 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कराने का कष्ट करें। जिन परिषदीय शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों द्वारा मानव संपदा पोर्टल पर अपना सेवा संबंधी समस्त विवरण दिनांक 31/3/2021 तक अपलोड न किया जाए, उनका माह अप्रैल 2021 से वेतन आहरण रोक दिया जाए। यानी कि आप अगर 31 मार्च 2021 से अपनी पूर्ण डिटेल मानव संपदा पोर्टल पे अपलोड नहीं करते हैं या आपकी अपलोड नहीं होती है, क्योंकि कुछ डिटेल हमें अपने आप अपलोड करनी है और कुछ डिटेल आपको BRC पर जाकर वहां के बाबू से करानी है, तो 31 मार्च से पहले पहले आप अपने मानव संपदा पोर्टल को बिल्कुल सही कर लीजिए, अपडेट कर लीजिए, वरना आपका वेतन रुक सकता है। अब देखते हैं हमको क्या क्या इसके अंतर्गत करना होगा। ये आदेश दिया है भवदिया राजेंद्र सिंह, संयुक्त सचिव ने। अब देखिए क्या करना होगा। देखिए इसमें एक और आदेश आया है, सभी BSA, AO, बेसिक, BEO, DC, EHRMS, ध्यान दें, EMIS, शासन द्वारा निर्गत अत्यंत महत्वपूर्ण शासनादेश का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से सभी परिषदीय शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों का वेतन हस्तांतरण मानव संपदा पोर्टल की पेरोल मॉड्यूल के माध्यम से किया जाना है। इसमें क्या होगा, पेरोल मॉड्यूल के माध्यम से वेतन हस्तांतरण की प्रक्रिया विद्यालय से AO बेसिक कार्यालय तक प्रपत्र 9 वेरिएशन तथा CSV फाइल को वर्तमान प्रचलित ऑफलाइन प्रक्रिया के स्थान पर पारदर्शी ऑनलाइन प्रक्रिया से प्रतिस्थापित किया जाएगा। यानी जो आप प्रपत्र 9 ऑफलाइन भेजते थे वो आपको अब ऑनलाइन भेजना होगा। उसके लिए मैं आपको प्रक्रिया बता दूंगा किस तरह से हमें प्रपत्र 9 को भरना है, उसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाई है, उस वीडियो को मैं आप उपलब्ध करा दूंगा और आवश्यकता पड़ी तो मैं प्रपत्र 9 भरने की एक अन्य वीडियो भी बना दूंगा। इस कार्य के निम्नलिखित महत्वपूर्ण चरण हैं क्या क्या। सर्वप्रथम, वन टाइम एक्टिविटी के रूप में समस्त वेतन भोगी कर्मियों के वेतन संबंधी विवरण, EKuber ID, पैन नंबर व खाता संख्या मानव संपदा पोर्टल पे ऐड या एडिट मास्टर के माध्यम से त्रुटिहीन दर्ज की जाएगी। यानी जो EKuber आपकी आईडी है,
पैन नंबर है और खाता संख्या, ये आपकी मानव संपदा पोर्टल पे होनी चाहिए। उसके बाद तत्पश्चात प्रत्येक महाविद्यालय स्तर से प्रपत्र 9 यानी कि पावना ऑनलाइन ही बीआरसी कार्यालय को प्रत्येक माह की 22 तारीख तक पोर्टल पर प्रेषित कर दिया जाए, यानी 22 तारीख तक आपको हर कंडीशन में ऑनलाइन इसको भेजना है। उसके बाद बीईओ कार्यालय के लॉगिन तत्पश्चात वेरिफिकेशन जनरेट कर इसे लॉग करते हुए 25 तारीख तक एओ कार्यालय के लॉगिन पर प्रेषित कर दिया जाएगा। उसके बाद वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय स्तर के लॉगिन से उक्त वेतन बिल का परीक्षण एवं यथा आवश्यक संशोधन करते हुए सीएसवी फाइल जनरेट कर मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ही ट्रेजरी के यूपी कोष पोर्टल को पुश कर दिया जाएगा। अतः यह प्रक्रिया पूरी प्रक्रिया पारदर्शी एवं मानवीय हस्तक्षेप रहित रहेगी। नोट, सभी कर्मियों के वेतन संबंधी विवरण यथा ई कुबेर आईडी, पैन नंबर, खाता संख्या अत्यंत ध्यानपूर्वक व्यक्तिगत रुचि लेते हुए अधिकारी स्तर से परीक्षण कर ही भरवाया जाए। कोई भी त्रुटि होने पर ट्रेजरी स्तर से समस्या उत्पन्न होगी और इस त्रुटि का निवारण राज्य स्तर से ही संभव हो पाएगा। तो साथियों, आपकी ई कुबेर आईडी, आपका पैन नंबर और अपना खाता नंबर बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर इसमें जरा सी भी गलती होगी, अगर आपको खाता नंबर चेंज करना है तो एक बार ही चेंज कर लिए, बार बार उसको चेंज मत कीजिए। अगर इसमें जरा सी भी दिक्कत होगी तो फिर ये आपकी प्रॉब्लम यहाँ से सोल्व नहीं होगी, ये आपकी प्रॉब्लम आपके प्रदेश स्तर से ही सोल्व होगी। तो इसलिए इसको आप ध्यान से कर लीजिए। नंबर 2, कर्मिक का पेरोल मॉड्यूल पर भरा जाने वाला बैंक खाता विवरण वर्तमान में ट्रेजरी में फीड खाता विवरण से भिन्न कदापि ना हो, अन्यथा वेतन आहरण संभव नहीं होगा। आप अपना देख लीजिए ट्रेजरी में कौन सा खाता आपका है और उससे भिन्न आपको खाता नहीं देना है। अगर आपने भिन्न खाता दे दिया तो आपको दिक्कत हो जाएगी, आपका वेतन आहरण पे रोक लग जाएगी। तो इसलिए आप संभवतः उसी खाते को दीजिए, और अगर आप खाता चेंज कराना चाहते हैं तो आपको ट्रेजरी में भी खाता चेंज कराना पड़ेगा। तो इसको आपको बहुत ही ध्यान से करना है। तो साथियों, काफ़ी महत्वपूर्ण सूचना है, पेरोल मॉड्यूल से आपकी सैलरी टाइम से आ जाया करेगी, लेकिन इसमें अगर जरा सी भी त्रुटि होती है आपके वेतन खाता में, आपके पैन नंबर में, ई कुबेर आईडी में, तो फिर आपको समस्या हो सकती है। तो ये आपको बहुत ही सावधानीपूर्वक खुद प्रयास करते हुए कराना है, अपने बीआरसी पर जाकर जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान कराना है। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।